थाना नारखी क्षेत्र भीकनपुर सदासुख में बीती शाम से लापता 2 वर्षीय बच्चे का शव मिला नाली में। फिरोजाबाद थाना नारखी क्षेत्र भीकनपुर सदासुख में बीती शाम 6 बजे से 1-2 वर्षीय बालक गायब हो गया था, जिसका शव घर के पास ही नाली में मिला। सूचना पुलिस को देने के साथ ही बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बताते चले, थाना नारखी क्षेत्र भीकनपुर सदासुख निवासी 2 वर्षीय शौर्य पुत्र संजीव कुमार बीती शाम से लापता हो गया था। उसे परिजनों ने काफी तलाशा पर नहीं मिला, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बाद में शव घर के पास ही नाली में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां शव को विच्छेदन गृह में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम गृह पर ही बच्चे के परिजनों ने मीडिया को जानकारी दी। क्या घटना क्या हुई है? घटना ये थी कि बच्चा शाम को करीब 7 बजे के समथिंग वो बाहर घर से खेल रहा था सामने, तो अचानक से गुम हो गया, मालूम नहीं पड़ा। काफ़ी देर ढूंढा, लगभग 2-1.5-2 घंटे ढूंढा। ढूंढने के बाद जब हम प्रयास विफल हुए तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। मौके पर कईयों थाने की पुलिस थी, जैसे टूंला थाना, नारखी थाना, सिंगी, सीओ साहब भी पहुंचे थे। पूरी रात छानबीन की उसकी और कोई सुराग नहीं लगा। जब सुबह एक लेडी आई थी तो उन्होंने उसका पैर देखा था नीचे नाली के नीचे। उन्होंने कहा था ये क्या है, तब उसको निकाला और वो नाली में पड़ा मिला। खत्म हो गया बच्चा? बच्चा खत्म। घर के बाहर ही नाली है क्या? हाँ, घर के मेन चढ़ने वाली नाली, चढ़ने वाली सीढ़ी है ना, उसके नीचे।